किसान विरोधी कानून के विरोध में संयुक्त किसान मजदूर मोर्चा के माध्यम से दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर किसान विरोधी कानून वापस ले जाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले दर्जनों महिलाएं व पुरुष कृषि कानून के विरोध में मार्च करते हुए जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे और कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। धरने के लिए इसलिए बैठे हैं जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा है, हम लोग यहाँ तक आए हैं कि सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं, उसको वापस करें, उसे रद्द करिए। अभी स्टे लगाया गया है लेकिन हमें स्टे नहीं चाहिए, हमको जो काले कानून बनाए हैं उसको रद्द करें, उसको वापस करें। वहीं किसान मोर्चा कन्नौज के जिला अध्यक्ष रूपलाल वर्मा ने कहा कि ये कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पारित किया गया है। सरकार पूंजीपतियों को अनाज की जमाखोरी करने की खुली छूट दे रही है, जिसके तहत सरकार की भारतीय खाद्य निगम को बंद करने की साजिश है। भारतीय खाद्य निगम बंद हो गया तो देश भर के गाँव में राशन कोटे की दुकान बंद हो जाएगी, जिससे गरीब और मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की इस कानून में कहीं कोई गारंटी नहीं दी गई है। इसके विरोध में पूरे देश के किसानों में आक्रोश है। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।